कार ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिमरन 676 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। इसकी पूरी जानकारी हमें इस वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। हाँ, तो इस वीडियो में सर से हम पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह, तो सर इस कंबाइन हार्वेस्टर की अभी क्या कीमत है सर? इसकी कीमत इस समय जी 21,50,000 रुपये है। अच्छा, और सर सुपर एसएमएस विदाउट एसएमएस? हाँ जी। और एसएमएस के साथ कितनी हो जाएगी? एसएमएस के साथ 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। उसके ऊपर कोई सब्सिडी है अभी? नहीं, अभी नहीं। और एक अलग अलग जैसे काफ़ी अलग राज्य से भी कंबाइन हार्वेस्टर खरीदते हैं, तो वहाँ पर यहीं पर विजिट करना पड़ेगा पंजाब में आकर, या उन के राज्य में जैसे डीलर के पास कंबाइन हार्वेस्टर हमारे हैं? कुछ डीलर हैं, डीलर है जगह पे अवेलेबल है। अच्छा। कुछ जगह पे हम लोग अवेलेबिलिटी करवा देते हैं। अच्छा, वहाँ पर आप मशीन को पहुँचा भी देते हैं जैसे बुक करवाने के बाद? नहीं भी आना चाहता है तो आप ऑनलाइन बुक अपनी पेमेंट करने के बाद अपनी कंबाइन अपने घर पे रिसीव कर सकता है तो ये काफ़ी अच्छे उनको मिल जाते हैं। तो सर ये हार्वेस्टर के बारे में और बता दीजिए, इसमें क्या क्या क्वालिटी मिल जाती हैं और क्या क्या इस हार्वेस्टर में आपने अच्छे फंक्शन डाले हैं जो किसानों के लिए? इसमें क्वालिटी ये है जी, इसमें हम लोग कंबाइन तो बनाते ही हैं। हाँ सर, ठीक है। हम 2010 से कंबाइन बनाना हमने शुरू करा है। हाँ जी। लेकिन हमारा जो स्पेयर पार्ट का काम है, हाँ सर, हम लोग कंबाइन का ही स्पेयर पार्ट बनाते हैं। अच्छा सर। जो हम 1980 से बना रहे हैं। 1980 से, तो पहले दूसरी हार्वेस्टरों में आप सप्लाई करते अभी भी दे रहे हैं? अच्छा जी सर। हार्वेस्टर भी हमसे जो कंपनियां हैं वो हमसे परचेज करती हैं। जी सर। और जैसे ये देखिए कुछ हमारे डिस्प्ले भी करे हुए हैं। जी सर। प्रोडक्ट जो मेन है जी सर, ये जो चेंजर पुली है जी, चेंजर पुली हो गए, और ये बेरिंगों वाले हो गए बाहर के, वो हाउसिंग है और वो फ्राई व्हील है, क्लच का है। हाँ सर, ठीक है। और ये हॉलैंड की है, गियर पुली है, ये हॉलैंड की है। अच्छा, न्यू हॉलैंड की। हाँ ठीक सर, ठीक। इसकी गियर पुली है जो कंपनी में अवेलेबल नहीं होती है हमारे पास, आप इनके स्पेयर पार्ट बना दें। हाँ जी जी सर। अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट भी अपना पार्ट बनवाने की, तो हम उसको भी बना के दे सकते हैं। स्पेयर पार्ट वो डिपेंड करता है कि उसको कितना पीस चाहिए। हाँ, ज्यादा मात्रा में यहाँ पे। हाँ सर। और ये अब मशीन की जो कटर की चौड़ाई वो कितनी है सर? ये 14 फीट है जी, अंदर से। अंदर से जो कटाई लेके चलता है वो 14 फीट है, और बाहर का अगर आप मिला के चलोगे तो 15.5-16 फीट हो जाता है। 15.5-16 फीट। और ये टील पाइप 6 मिल जाती है इसमें? हाँ, 6 में है, और 10 हैवी में टाइन आ जाता है, जो आप देख सकते हो। जी सर। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें आपको ब्लेड और फिंगर मिल जाती हैं, जैसे कि बताया सर ने कि ये खुद ही तैयार करते हैं, और मशीनों का भी साथ इसका, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा पार्ट इस मशीन में यूज किया होगा। तो साथ ही सर ये रील को आप एडजस्ट कर सकते हैं? हाइड्रोलिक दे रखी है या सिंपल है सर? हाइड्रोलिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं, ये मैनुअली है। मैनुअल है सर? अच्छा, ये ऐसे दे रखा है। ये रील वाला तो हाइड्रोलिक? हाँ, रील वाला पूछ रहा हूँ सर। रील को करना तो मैनुअल? नहीं, रील वाला पूछ रहा हूँ सर। हाँ, वो हाइड्रोलिक। तो किसी फसल में छोटी बड़ी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके? इसकी प्रॉब्लम आती है जब आप मक्की में चलाते हैं। हाँ जी सर। मक्का काटते हैं इससे आप, तो उसके लिए रील की हाइट थोड़ा ऊपर करना पड़ता है। तो इस कटर से कट जाती है सर या अलग और कटर बनाए आपने? उसमें क्या होता है जी, इसमें फिटमेंट हो जाती है। हाँ जी सर। अगर मान लो कोई नहीं ज्यादा पैसे खर्चना चाहता है। हाँ जी सर। मान लो नया जो कटर है वो 6-7 लाख रुपए के आसपास है मक्की का। हाँ जी। तो अगर आप इसमें भी किट लगवाना चाहते हो तो इसमें किट लग जाती है, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। जी सर, जी सर। और कौन कौन सी फसलों की इस मशीन से कटाई कर सकते हैं सर? हम फसलें इसमें सभी हो जाती हैं जी, जैसे आपका कनक है, जीरी है, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, वो और अपने ऑपरेटर पर सेटिंग के हिसाब से किसी भी मशीन के अंदर आपको डबल थ्रेशर मिलता है, वो तो हर हार्वेस्टर के साथ होता ही है। हाँ जी। और उसमें मान लीजिए आपको फसल के हिसाब से थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम आपकी हेल्प करते हैं। जी सर, साथ जुड़े रहते हैं। जैसे आप कितने साल की गारंटी देते हैं सर आप मशीन की? हम इसमें जी 1 साल की गारंटी वारंटी होती है, दोनों वन सीजन गारंटी, वन सीजन वारंटी होती है। हाँ जी सर। जिसमें जो मेन पार्ट होता है, आपको प्रॉब्लम आती है जैसे आरपी ड्रोल है, डिस्ट्रीब्यूटर है। जी सर। या कोई आपकी शॉप है जो बार बार टूट जाती है गियर बॉक्स में पहले सीजन, तो उसको हम आपको रिपेयर नहीं चेंज कर देख देते हैं, कहीं पे भी हो आपकी गाड़ी, ऑल ओवर इंडिया में। हाँ जी। और बाद में कभी भी दिक्कत आती है तो आप उनके साथ जुड़ी हुई है? आती है कोई दिक्कत आती है तो हम अवेलेबल हैं, वो पेड होगा। हाँ बिल्कुल सर। सीजन मान लीजिए आपको? बिल्कुल सर, बाद में तो सपेयर मांगती रहती है मशीन। इलेक्ट्रिकल और रबड़ का जो पार्ट है उसकी कोई गारंटी नहीं आती है। उसमें अगर कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग का फॉल्ट होगा तो उसमें कंपनी। जी सर, जी सर। और ये कितने इंच फीडर है सर इसका? फीडर इसका 51 होता है जी, अंदर से। जी सर। 85 और फीडर सेम ही होता है 51। और काफी मजबूत इसमें आपको ये
हाइड्रोलिक ये पंप मिल जाते हैं और यहाँ पर आप कटर को चलाने के लिए बेल्ट चढ़ा देते हैं और काफ़ी मजबूत इसमें आपको गियर बॉक्स मिल जाता है। ये गियर बॉक्स है, कितने गियर है सर इसमें? ये 4 गियर में है जी। जी सर, अभी डिस्प्ले है, अगर इसमें 5 गियर लेना है तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा या इसी में? हाँ, उसका थोड़ा चार्ज होता है, अलग से चार्ज होता है। 5 से 6 हज़ार रुपये उसका चार्ज। जी सर, तो स्पीड 3 लगभग, 3rd गियर ज़्यादा सेकंड गियर में मशीन चलती है। हाँ, जो ज़्यादा कामयाब गियर 4 गियर ही है। जी सर, क्योंकि काफ़ी खुला वहाँ पर स्थान भी मिल जाता है, तो पार्ट इसका आसानी से मिल जाता है। जी सर, जी सर, कहीं से भी, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। 5 गियर में क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो हम कस्टमर को पहले ही मना कर देते हैं कि आप उसको मत लगवाइए। जी सर, जी सर, और वो तो ज्यादातर रोड के लिए होता है। हाँ, रोड के लिए होता है, लेकिन रोड के लिए हमने आपको गियर पुली दे रखी है। जी सर, वो चेंज हो जाएगी तो आप कितनी स्पीड को कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती। गुड ईयर की इसमें आपको 18-34 के टायर मिल जाते हैं। टायर की ऑप्शनल है, कोई भी आप टायर ले सकते हो, बाहर से भी ले सकते हैं, अपोलो। जी सर, ये काफी अच्छी कंपनी है। कुछ गारंटी वाले होते हैं टायर और कुछ नॉन गारंटी होते हैं। वो आप मान लीजिए, आप टायर कंपनी से आप जी बात सर करेंगे तो वो आपको पूरी डिटेल देंगे। जी सर, और ये ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी हो गई। यहाँ पर आपका टायर के पैर लगने का भी खतरा नहीं रहता, सीधा यहाँ पर पैर लगाएंगे तो बिल्कुल आगे इससे टच हो जाएगा, तो आपके टायर का आपको भी बिल्कुल सेफ रखता है ये। तो एक बार ऊपर आ जाइए सर, यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिल जाता है और काफ़ी खुला यहाँ पर कैबिन मिल जाता है, और ये आपको लीवर सभी बिल्कुल ड्राइवर सीट के नज़दीक मिल जाते हैं। ये बास्केट का, ये कटर का, ये फ्लैट का, सॉरी ये बास्केट, ये कटर और ये फ्लैट का और ये ओगर का। ये ओगर दाने को जब ग्रेन टैंक से बाहर निकालते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे ड्राइवर यहाँ पे बैठा है। हाँ जी सर, लगा सकता है बिल्कुल आसानी से। हाँ जी, और ये वाला फ्लैट का होता है, ये एक बार लग जाता है तो जल्दी कट नहीं करना पड़ता। जी सर, थ्रेसर का अपना चलना शुरू हो जाता है। और ये आगे रील का, जैसे कटर का हो गया, और ये बास्केट की एडजस्टमेंट है। हाँ सर, ये तो काफी कम, और यहाँ से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, टाइट और आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। जी सर, ठीक है, और बहुत ही इजी है यहाँ पे बैठ के चलाना। जी सर, इसकी सीट आप आगे पीछे कर सकते हो, एडजस्टेबल है, जरूरत है ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जी सर, ये गियर है इसके डबल। हाँ जी, ये रिवर्स गियर है, दूसरा गियर है, दूसरा, ठीक है, और बहुत ही आसान है, आपको यहाँ बैठ के ऐसे टेढ़ा नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल नजदीक है। हाँ जी, हाँ, आप आराम से इसको ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। रेल चेंजर और आइलो सारे इसके आ जाते हैं। अगर आप सुपर स्मैश लगवाते हो तो उसका यहाँ पे मीटर जो है अभी खाली छोड़ रखा है, वो लग जाता है। जी सर, और ये यहाँ से बंद करने का है। हाँ सर, ठीक है, और म्यूजिक प्लेयर हम साथ में देते हैं। हाँ, डबल स्पीकर मिल जाते हैं, और बड़ा शीशा होता है पीछे, पीछे आसानी से देख सकते हैं, दूर तक दे सकते हैं। दोनों साइड में टूल देते हैं आप, छतरी में टूल, और इसको लॉक लॉक कर सकते हो, कोई भी अपना जरूरी सामान आप रख सकते हैं इसमें। और आगे यहाँ पर भी लाइटें मिल जाती है, और नीचे की साइड भी, और उधर हेल्पर सीट हो गई, और दो आपको ये साथ में टूल मिलते हैं, दो दे दिए। काफी मशीनों में जैसे रखने के लिए लाइट दी हुई, काफी मुश्किल हो जाती है काम करने में, कोई दिक्कत ना आए। और साइड में 2 मिरर हो गए पीछे देखने के लिए, और वहाँ पर आपको साथ स्पॉट मिल जाती है। और ये ग्रैंड टैंक कितने का है सर? ये 18 से 20 होता है जी, लगभग 20 तक आ जाता है। और इसमें इंजन कौन सा है सर? हाँ जी, इंजन अशोक लेलैंड का है जी। कितने हॉर्स पावर का? 101 हॉर्स पावर, 6 सिलेंडर, लाल इंजन, लाल इंजन। जी सर, ये आपका इंजन हो गया, काफी खुला है, यहाँ पर आपको स्थान मिल जाता है। जैसे कि आपको कोई भी काम करना है तो आप आसानी से बैठ कर काम कर सकते हैं, और ऊपर से जाने के लिए यहाँ पर आपको सीढ़ी टाइप में दे दिया, पीछे टूल बॉक्स मिल जाता है, और एक पीछे आपको स्ट्रावाकर चेक करने हैं तो उनके लिए ड्राई टाइप का एयर क्लीनर मिल जाता है, और साथ ही ये सिंपल वाला आपको राइडेटर मिल जाता है। ये ऑयल टैंक कितने लीटर का है सर? इसका ये ऑयल टैंक वो दूसरा डीजल 325 लीटर का। जी सर, और इसमें ये थ्रेसर वाल जो पार्ट देख रहे हैं। हाँ जी, इसमें DSM लिखा हुआ है। हाँ सर, है। जी सर, और ये लगे हॉजिंग है, ये है फ्लैट पुली है। हाँ जी, और ये चेंजर पुली है। हाँ सर, ये है पुली, सब गियर पुली, हॉजिंग हो गया। हाँ जी, ठीक है जी, हेडल हो गया जी, पुली ब्रैकी हो गई,
ठीक है, बेल हाउसिंग हो गया, इंजन पुली होगी, पंप की पुली होगी, सब हम लोग खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। हाँ, इसमें आपको 150 जो पार्ट है, हाँ जी, हमारी कैटलॉग है, इसमें आप सारा पार्ट देख सकते हैं जी सर। ये हमारा खुद का है ब्रांड है DSM जी सर। DSM आपकी ब्रांड है? हाँ जी जी सर। इसमें हम सभी कंपनियों को और भी देते हैं दुकानदारों को, मान लो आपको अच्छी क्वालिटी का पार्ट चाहिए, क्यों देखिए हम अपनी गाड़ी में अच्छी अपनी भी लगाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और देखिए इसमें सिमरन लिखा हुआ है और DSM लिखा जी हुआ सर, है जी सर, ये दोनों हमारे ब्रांड है जी सर। और ये यहाँ पर बेल्ट की साइज हो गए सभी? हाँ जी, बेल्ट है जी, ठीक है, और पेंथर की बेल्ट है, और ब्रांड जो भी ब्रांडेड सामान आता है वही, जो अच्छी कंपनी का आता है वो यूज करते हैं वही। और इसमें ये बैरिंग ज्यादातर कौन कौन से यूज किए सर, कौन से नंबर की साइज के? हम देखिए जी क्वालिटी में, अब ब्रांड में बताएं तो TR और वो तो हो गए सर। जैसे साइज क्या सर इनका? जैसे 11 नंबर के हैं जी। हाँ जी, जो थ्रेसर वाला, बाकी सारे बैरिंग 7 नंबर के, 7 नंबर के, तो ज्यादा स्पेयर भी नहीं रखना पड़ता। बिल्कुल, FK का बैरिंग है, 207 नंबर का जी सर। और बैटरी हम लोग एक्साइड की देते हैं, एक्साइड की काफी अच्छी आती है। इसमें भी आपकी चॉइस है, अलग आप चाहे तो हर चीज में आपकी चॉइस है जी सर, एक्साइड देगी, लेकिन कस्टमर कह रहा है मुझे एमरॉन चाहिए तो हम लोग वो भी आपको दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जी सर। और यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिल जाएगी, बाकी लॉक है जो हर चीज देखिए, दूसरे लॉक आते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, टूट जाते हैं जी सर, ये बिल्कुल मजबूत है, मिल भी जाएंगे आपको कहीं से भी। और ये पीछे तक ला कर ये, इसका क्या कारण है सर? काफी मशीनों में देखा है यहाँ पर मिलता है जैसे ये साइलेंसर है। एक तो वहाँ पे खतरा नहीं रहता है आग लगने का जी सर, ठीक है, और ये पीछे आ जाता है। हाँ जी, ठीक है, और इससे आगे जैसे स्पेस भी खुली हो जाती है। हाँ सर, और जो गाड़ी होती है जो शेप हमारी है काफी शेप के हिसाब से जो साइलेंसर और हम इधर पीछे देते हैं जी सर, जो ज्यादा अच्छा दिखने भी अच्छा लगता है, और इसका आग लगने बेनिफिट भी मिल जाता है सर, स्पेस का भी जी सर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। और पीछे के टायर, पीछे वाले टायर में भी ऑप्शन है जी सर। ये साइज कितना है? 916 916 के टायर है, C8 के, और इसमें भी आप कोई भी ले सकते हो, किसी भी साइज के ले सकते हो, अपनी मर्जी, साइज नहीं, साइज का 916 मतलब कंपनी के, ब्रांड C8 है ये, जैसे आप इसमें बिरला ले सकते हो, जो अवेलेबल हो, जो आपको अच्छा लगे, जो अवेलेबल टायर जिस कंपनी ने बनाया होगा वो मिल जाएगा आपको। और ये पीछे से थोड़ी सी डिप्री, सब कंपनियां ट्रक बनते हैं, कारें बनती हैं, सबके टायर बराबर होते हैं, तो इसका भी टायर बराबर होने का फायदा है। और यहाँ पर ये ऊपर की साइड मिल जाता है सर? हाँ, ये हैवी है, इसमें टूटने की दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, और उस साइड ये पंप मिल जाता है कटाई वाला, जो हमारा जो स्टीयरिंग जैक है वो भी मोटा है, 28 mm का। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। और हिस्सा भी पूरा हम लोग मजबूत बना के देते हैं, बाकी फुल साइज की सीपे हैं, फुल साइज की। हाँ जी, और ये पांच टावकर में वुडन की फिनिशिंग, 7 नंबर की क्रैंक है सर इसमें? हाँ जी, 7 नंबर की। और ये एडजस्ट कहाँ से होती है सर? ये एडजस्ट ये यहाँ से होती है जी सर, और जो आगे वाली है, आगे वाली सीपे हैं वो अंदर से एडजस्ट होती है, नीचे से, नीचे से। हाँ जी, जी सर। और हम डबल वाली डाल के देते हैं कि ये दो बार में खुल जाती है, आप इसको आधा आधा पार्ट अलग अलग डबल पार्ट दे दिए बीच में से, एक ही बार में आपको पहले आती है, एक ही बार में पूरी खुल जाती थी जी, लेकिन सर इसको आधा आप अलग खोल सकते, अलग अलग खोल जी सकते। सर, जी सर। और LED लाइट, पीछे LED लाइट हो गई, आपको ऑप्शन है यहाँ पर, आपने अगर दूसरा डलवाना है बल्ब वाला जी भी मिल जाएगा। और यहाँ पर बैक ट्विटर मिल गया। हाँ जी, 325 लीटर का मैंने पहले बताया था आपको, इसका डीजल टैंक, और साथ में एक टायर और देते हो जो काफी कंपनियां नहीं देती। हाँ जी, देखो गाड़ी है स्टेपनी तो जरूरी, बिल्कुल है सर, बिल्कुल सर। कस्टमर को हम लोग अपनी मान लो हार्वेस्टर दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए जी सर, हमारे जी साथ संबंध अच्छा बना रहे जी सर। तो इसके साथ में हम 90 आइटम देते हैं, 90 आइटम साथ में गाड़ी के साथ हम फ्री देते हैं, जो जिसमें टूल किट और बाकी एक्स्ट्रा सामान रहता है जी सर। जी, सापट हो गई इस टाइप से, 90 आइटम होती है, वो लिस्ट होती है साथ में स्टैंडर्ड टूल किट जी सर। जी सर, और यहाँ पर नीचे एयर टैंक हो गया जैसे, और एयर टैंक पे हमने वो शिक लगाई हुई है, कई बार क्या होता है कि टैंकी फुल हो जाती है तो फटने वो कट नहीं करती है, तो इसका इंजन का जो बूस्टर होता है वो फट जाता है, वो खराब हो गया, काम छोड़ जाता है, जिससे मान लो दिक्कत हो जाती है, अपना नुकसान होता है, तो उसके लिए ये शिक है जो ऑटोमेटिक जो ज्यादा एयर है उसको बाहर निकाल देता है। और ये फैन में कितने मिलते हैं सर ये पंखे? इसमें 5 ब्लेड है जी, 5 ब्लेड है। तो इनकी सेटिंग कहाँ से हो सकती है? सेटिंग इनकी दूसरी साइड से है, ये इसकी रॉड है, इसका दूसरी साइड पे हमने दिया हुआ है, ऊपर नीचे जी सर, जी सर, ज्यादा बेल्ट वगैरह आ जाती है तो प्रॉब्लम आती है जी सर।
बाकी जहाँ भी आप देखोगे आपको हमारा ब्रांड ही मिलेगा, DSM और सिमरन जो हमारा ब्रांड है जी सर। ज्यादा पार्ट हम मरीन पुली को भी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं सर ये। हाँ जी, इसमें डबल बैरिंग है जी सर, इसमें मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको डबल कर दिया है मजबूती के लिए जी सर। हैवी शील्ड है, हर चीज हैवी आपको मिलेगी, काफी अच्छी क्वालिटी दी इसकी भी। और ये धूल गर्दे से ड्राइवर और हेल्पर को बचाने के लिए पंखा मिल जाता है, डस्ट पैन है, डस्ट पैन ऊपर ना जाए जी सर। जी सर, इधर टूल बॉक्स इधर भी होगा, दोनों साइड है। पहले दिखाया था DSM नाबा, जो कि सभी हार्वेस्टरों का स्पेयर पार्ट भी तैयार करती है। और ये लाइटें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी है और काफ़ी दिखने भी काफ़ी अच्छा लुक देती है मशीन का। तो आपको वीडियो कैसी लगी और क्या जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।